तो ये वो यूपीएस है हम इसका, आप चेक कर सकते हो। ये फाल शो कर रहा है लेकिन स्क्रीन गंदा है, हम चला के चेक करते हैं आपको पता पड़े, फिर उसके बाद हम वो फाल निकालते हैं, कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप भी अपने जमे के लिए आराम से फाल निकाल सकते हो। पहले स्क्रीन गंदा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, आप चेक कर सकते हो। इसको हम खोलते फिर आपको बताते हैं। ये हमने खोल दिया इसको, अब पहले तो हम इसका स्क्रीन साफ करते हैं कि स्क्रीन में क्या बात हो रहा है, क्योंकि स्क्रीन में मिट्टी आ गई है, बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा है कि क्या कर रहा है, कौन सा पाल दे रहा है। हम इसको खोलते हैं, इसको बिल्कुल सही तरह से साफ करना चाहिए क्योंकि इसमें ये बहुत ज्यादा चला है, इस पर कभी किसी ने साफ ही नहीं किया। स्क्रीन भी साफ करेंगे, ये जगह भी साफ करेंगे, इसको लाइन देते हैं दोबारा, ये क्या है, बस ये ध्यान रखना है लाइन देने में कि माइनस माइनस मिलेगी प्लस प्लस मिलेगी, क्योंकि उल्टा लगेगा तो आपको उल्टा नुकसान होगा, इससे इसमें ध्यान देना चाहिए। ये फॉल्ट कर रहा है, फॉल्ट जीरो नजर तो नहीं आ रहा है क्योंकि स्क्रीन बिल्कुल डिम है, ये अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ये फाल जीरो बता रहा है, और फाल जीरो क्यों बता रहा है ये भी मैं आप अभी आपको बताते हैं। जो इसने फाल जीरो शो किया, फाल जीरो शो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका पंखा बंद है, पंखा कभी चलता है कभी नहीं चलता, अभी मैं हाथ से घुमा रहा था तो बिल्कुल ओके था, लेकिन जैसे हम यूपीएस ऑन करते पंखा जाम हो जाता है। तो सबसे बेहतर हल तो ये कि पंखा नया लग जाए, अगर किसी को खोलना आता है इसको सही तरीके से ओके कर सकता है, ये पंखा खुलता भी है और ओके भी होता है। तो आइए हम चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं कि क्या होता है। तो ये पंखा हम निकालते हैं, बहुत बहुत तरीके से तरीके पहले भी पंखा इसकी कम उठा रहे हैं, बनाने का मकसद ये कि पंखा भी आजकल महंगा है, कम से कम 250-300 रुपये का पंखा है, तो अगर कोई भाई बना सकता है मेरे तरीके से सीख सकता है बना सकता है तो अच्छी बात है। तो हम इसको खोलते हैं, तो पंखा खोलने का तरीका ये, स्टिकर उतार के, और तो ये अच्छा है कि क्लिप भी हम उतारें, क्लिप उतार दिया, ये जो लगा हुआ है रबड़, पहले इस रबड़ को निकालेंगे, उसके बाद ये वाइट वाला नाक आपको नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये देखिए खुल जाता है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से निकालेंगे ताकि इलाक हमारे से घूम लिए आराम से, इलाक हम अलग करेंगे, फिर इसको हल्का सा पुश करके आराम से निकल जाता है,
इसके लागू का एहतियात रखना है। तो ये पंखा मोहर आपको नजर आ रहा होगा, अब इसको हम साफ करेंगे, थोड़ा सा ऑयल देंगे और ये इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। ये आप नज़र आ रहे हो ना कितनी मट्टी है इसमें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हम अच्छी तरह से साफ करेंगे, हिस्सा साफ हो गया, भी साफ करते हैं बिल्कुल। क्योंकि मिट्टी की वजह से इसकी स्पीड, कोई पंखा तो चलता है लेकिन मिट्टी की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये फाल जीरो शो करता है। इसकी स्पीड भी कम होगी तो फाल जीरो शो करेगा, बंद होगा तो भी फाल जीरो शो करेगा। अब एक ही ख़राब होने के सूरत में तो चेंज होता है, लेकिन अगर जाम है और पंखा सही है चल रहा है फिर इसको ऐसे साफ करना चाहिए। कोई कोई तो ऐसे होता है इसको खोलता नहीं है, बस इधर से दो तीन कतरे आयल डाल दिए और उसको घुमाया, वो इलाज नहीं। इलाज इसका हल ये कि इसको खोला जाए, चाट दिया जाए, फिर आयल दिया जाए तो ओके हो जाएगा बिल्कुल। तो अब हम इसको फिट करेंगे दोबारा, इसको कतरा आयल देंगे, ध्यान रखना कि बस हल्का सा लंबी शाफ्ट पे थोड़ा सा आयल दिया, इसको वापसी इसमें लगाया। अभी देख पंखा बिल्कुल फ्री हो गया, तो ये अब तेज़ चलेगा तो हमारा GPS फाल नहीं करेगा। और पीछे से ये जो लॉक है ये एक छोटा सा ये पहले आएगा, रबड़ वाला पहले आएगा, रबड़ वाला बिल्कुल। अब हमको ये वाइट वाला लगाना है, तो वाइट वाला कैसे लगाएंगे, ये इसके ऊपर रखा तो नोक प्लास या किसी चिमटे की मदद से इसको दोनों साइडों से ऐसे अंकर दबाएंगे, ये आपका लाग गिर गया वापसी उसी पर। क्योंकि लाग गुम नहीं करने, लाग की वजह से ये होता है कि ये बार बार निकलेगा। तो ये आपका पंखा तैयार है, तो ये रबर भी लगाना लाजमी है क्योंकि इसकी वजह से इसमें मट्टी नहीं जाती। तो वापसी में लाग लगाएंगे, वापसी में लेबल भी लगाएंगे ताकि इसमें मट्टी मट्टी में कोई और दिक्कत नहीं है। ये हमने सारा लगा दिया, तो हम कुछ बार से इसकी जगह भी साफ करेंगे। और इसको अपनी जगह पर वापसी लगाते हैं, इसी अपनी जगह पे। अब हम इसको देखते हैं बैटरी वाला लाइन, ये आपकी वजह से मैंने इतनी लंबी तार लगाई और मेरे पास अपना कॉल है, आपको भी सही तरह तरीके से पता पड़े। तो माइनस माइनस में और प्लस प्लस में आपको दिखाने के लिए ये देखता हूँ, बहुत स्पीड हो गया है अभी, इंशाल्लाह ये फाल दोबारा जीरो फाल नहीं करेगा। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए केबल को बिल्कुल ओके है, ये सीरीज है, आप आपने अपने घर में ये नहीं करना, क्योंकि अगर किसी के पास सीरीज बोर्ड हो तो वो ये कर सकता है, बाकी आप भी चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये होती है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चलो आप लोगों का बहुत साफ़।